नमस्कार साथियों, मैं मनोज मीणा। साथियों, मैं आप सब युवाओं से कहना चाहता हूँ जो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, लगातार आप देख रहे हो कि बोर्ड में एक विवाद चल रहा है वेटेज को लेके और बोनस अंक को लेके। जो क्वेश्चन डिलीट होते हैं उनके लिए कर्मचारी चयन बोर्ड किस प्रकार से आगे कार्रवाई करेगा उसको लेके बहुत लंबे समय से छात्र परेशान है। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूँ आपसे, आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है जब तक आपके साथ में मैं खड़ा हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि जो पुराने जो नियम है उसके अनुसार, जो वेटेज के अनुसार कर्मचारी चयन बोर्ड ने नियम बना रखे हैं, उसी के आधार पे आने वाली भर्तियों में जो भर्ती प्रक्रियाधीन है उनमें ये वेटेज वाले नियम से कर्मचारी चयन बोर्ड कार्रवाई करे और इसी नियम के साथ में कर्मचारी चयन बोर्ड इस भर्ती में आगे बढ़े। क्योंकि और जो कोई भर्ती हो, जो प्रक्रियाधीन भर्ती है, इन्हों में नियम बदलना संभव ही नहीं है। क्योंकि अगर ये भर्तियों में ऐसा होता है और बोर्ड करता है तो साथियों ये भर्ती कोर्ट में टकने की संभावना भी बढ़ती है। और इसलिए मैंने निवेदन भी किया है आलोक राज जी से, माननीय अध्यक्ष जी से कहा भी है कि आप इस भर्ती में ऐसा मत करिए जिससे छात्रों को समस्या उठानी पड़े। और आपसे हम बार बार निवेदन कर रहे हैं अध्यक्ष साहब, ये छात्र है आपसे बार बार कह रहा है कि आप छात्रों को दबाने का कार्य मत करिए, छात्रों को परेशान करने का कार्य मत करिए। आप जो पुरानी जो प्रथा चल रही है प्रक्रियाधीन भर्तियों में, आप उसी को फॉलो करते हुए आगे की कार्रवाई करिए और सभी युवाओं के साथ में इस मांग को लेकर फिर से 15 तारीख को अध्यक्ष साहब से मिला जाएगा, मुलाकात करी जाएगी और हम फिर कहेंगे एक बार, अध्यक्ष जी पुराने नियमों के अनुसार छात्रों के साथ में न्याय करिए। और मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ, आपको कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका भाई यहाँ खड़ा है, जब तक मेरे रगों में खून का एक कतरा बाकी है, मेरा संघर्ष आप लोग के लिए जारी रहेगा। आप लोगों के लिए इसी प्रकार से लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। धन्यवाद।